राम राम भाई, सारे भाइयों ने क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है पंकज पांचाल व्लॉग्स में। भाई आज एक और नई वीडियो लेके आपके साथ आ गया हूँ, और एक नई गाड़ी जिसका भाई काफी दिन से मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए इस गाड़ी का वेट कर रहा था, और काफी दिन के बाद ये गाड़ी अरेंज हो पाई है। फिर से हम आ गए हैं महिंद्रा मोटर्स पर, और ये चाबी आपको देख रही होगी वही महिंद्रा की जो अपनी हर गाड़ी के साथ ये एजटीज की आती है। अपनी महिंद्रा की दो कीस प्रोवाइड करती है, एक आपको मिलती है रिमोट की और एक आपको मिलती है नॉर्मल फ्लिप की, जिसके अंदर आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते। अगर इस की बात करूँ कि ये कौन सी गाड़ी की है, तो ये गाड़ी की भाई मैं आपको बाहर जाकर और जब दिखाऊंगा इस गाड़ी की ये कौन सी गाड़ी की है, क्योंकि इस गाड़ी को बाहर से वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा, अंदर से बनाने में नहीं। तो चलो चलते हैं इसकी गाड़ी के बाहर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नई नई वीडियोज़ के लिए मिलते रहेंगे ऐसे ही। चलो चलते बाहर और इस गाड़ी की डिटेल्स आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने खड़ी है ब्रांड न्यू महिंद्रा थार रियल व्हील ड्राइव हार्ड टॉप एलेक्स वेरिएंट। अब ये रियल व्हील ड्राइव की बैजिंग के साथ आपको प्रोवाइड करने दे रही है महिंद्रा। उसके बाद अगर इसके वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको एक्स वेरिएंट, वो है इसका बेस वेरिएंट, और एक मिलता है आपको एलेक्स वेरिएंट, वो है इसका टॉप वेरिएंट। और ये जो आपके सामने खड़ा है ये है हार्ड टॉप डीजल एलेक्स वेरिएंट जो आपके सामने खड़ा है अभी। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको इसका प्राइस कितना मिलता है, इसका प्राइस आपको एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो आपको 12,48,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस जो है गुड़गांव में आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बढ़ते इसकी इंजन की डिटेल्स पर कि इसमें आपको कौन सा इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है जो 4 सिलेंडर BS6 फेस 2 वेरिएंट के साथ आपको महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। अगर इसकी मैं बात करूँ कितनी मैक्स पावर जनरेट कर देता है, ये आपको 117 BHP की मैक्स पावर और 300 Nm का टॉर्क निकाल के आपको दे देता है, और अच्छी खासी आपको एवरेज भी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद अगर गियरबॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाता है, और ये आपका रियल व्हील ड्राइव में है ही, ठीक है। इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं आता, हाँ लेकिन एक ऑप्शन आता है जो इसमें आता है पेट्रोल का, उसमें इसका इंजन चेंज हो जाता है, ठीक है। लुक्स की बात करूँ तो इसमें आपको लुक्स जो है सामने बिल्कुल एज इट इज़ जो अपनी 4x4 वाली थार है उसी जैसी मिलेगी, कोई चेंजमेंट नहीं है। हाइलोजन बेस जो इसके हेडलैम्प दिए गए हैं, हाइलोजन बेस आपकी टर्न इंडिकेटर्स, वही सेम ग्रिल, महिंद्रा का लोबो, और कोई चेंजमेंट नहीं किए गए थार का। यहाँ पर लोबो बम्पर के ऊपर कोई भी चेंजमेंट आपको छोटी मोटी देखने को नहीं मिलेगी। फोक लैम्प से वो है वो भी आपको हाइलोजन बेस ही देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नीचे, नीचे आपको ये इंजन के लिए प्रोटेक्शन गाइड लगी हुई है, उसके बाद एक हुक देखने को मिल जाता है। आगे से आपको कोई भी लुक चेंज देखने को मिलेगी ना, और साइड से आप देखने को मिलेगी चेंजमेंट। उसके बाद बढ़ते हैं इसके टायर साइज पर, इसमें आपको सीएट का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको डायमंड कट ये एलॉय व्हील देखने को मिल रहे होंगे, जो महिंद्रा की थार में भी आपको 4x4 वाली में भी देखने को मिल जाती है, और रियल व्हील में भी मिलती है। टायर साइज इसमें आपको 255x65R 18 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा टायर साइज़ है। फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, थार की बैजिंग आपको दिख ही रही होगी अच्छी खासी सुंदर क्रोम में। उसके बाद आपको दो वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, बड़ी आगे वाला शीशा देखने को मिल जाता है फ्रंट। उसके बाद बढ़ते इसकी प्रोफाइल पर कि इसमें आपको और क्या मिलता है, इसमें आपको जो इसके ORBMs है वो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORBMs देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल नहीं है कि आपको मैनुअल एडजस्टेबल दे रही है फंक्शन आपको दे रही है महिंद्रा, ऐसी बात नहीं है कि रियल व्हील ड्राइव है तो इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कोई फंक्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाता है। उसके बाद टॉप की बात करूँ तो उसमें आपको सॉफ्ट टॉप नहीं है, इसको हार्ड जो इसका टॉप है वो देखने को मिल जाता है, दोनों ऑप्शन आते हैं इसमें, हार्ड टॉप भी और सॉफ्ट टॉप भी। ये इसका हार्ड टॉप है, और रियल व्हील ड्राइव की आपने बैजिंग देख ही ली थी जिससे पता लगता है कि आपकी ये रियल व्हील ड्राइव है, लेकिन आप इसे हटा दो तो इसमें आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा किसी को भी कि आपकी 4x4 थार है या फिर रियल व्हील ड्राइव थार है। बैक प्रोफाइल पर बढ़ते थे, उसमें आपको सेम वही बैक लाइट देखने को मिल जाती है, थार का बीच में इसमें लोब देखने को मिल जाता है, सीएट का टायर पीछे आपको सेम मिल जाता है एलॉय व्हील के साथ।
अब देखते हैं इसके डिग्गी में स्पेस कितना है और ये आपको कितने आपके बैग्स वगैरह आ सकते हैं। इसका डिग्गी के स्पेस को देखने के लिए पहले आपको जैसे अपनी थार में 4x4 में ओपन होती है पीछे वाला विंडो, वैसे इसमें ओपन होती है, पहले आपको ये हाफ विंडो ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको इसकी शीशा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसमें आपको कितने बैग्स लगे, तो इसमें आपको आराम से छोटे छोटे भाई दो बैग्स तो बड़े और कम से कम एक दो बैग आप आराम से छोटे रख सकते हैं, उसके बाद अपना इसको बंद कर सकते हैं आराम से। शीशे को बंद करने के लिए वही अपना स्टेप, पहले आपको शीशा बंद करना पड़ेगा, फिर आपको विंडो बंद करनी पड़ेगी पीछे वाली, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी पर। इसकी फ्यूल कैपेसिटी आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और ये डीजल वेरियंट है तो इसमें आपको डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर कि आपको साइड प्रोफाइल में क्या क्या देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में बात करूँ तो आपको इसके फ्रंट बोनट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इसका एंटीना, उसके बाद आपको रूफ रेल्स नहीं देखने को मिलती, इसमें कोई रूफ रेल्स नहीं दी गई है और बाकी कोई भी लुक्स में चेंज नहीं की गई है और की छोटी मोटी कुछ चेंजमेंट की गई कुछ नहीं है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको 226 mm का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लेंथ की बात करूँ तो आपको सब 4 मीटर इसकी लेंथ देखने को मिल जाती है। हाइट की बात करूँ तो आपको इसमें 1844 mm की हाइट और अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो आपको इसमें 1820 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। इसका व्हील बेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 2450 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है आपको और ये 4 सीटिंग कैपेसिटी में है। तो इसके अब बढ़ते हैं ड्राइविंग साइड डोर पर और अंदर एक पट्टी पर आपको यहाँ पर थार लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके ओआर बीम्स के जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल से यहाँ पर आपका दिया गया है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया वाटर बॉटल रखने के लिए और कुछ न्यूज़पेपर या फिर कुछ अपना छोटा मोटा सामान वगैरह रख सको, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके जो अंदर वाले इंटीरियर पर, इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसके दोनों पावर विंडो के कंट्रोल जो आपको आपके आर्म रेस्ट के नीचे देखने को मिल जाते हैं और अपने जो कंट्रोल्स हैं यहाँ देखने को मिलते हैं पावर विंडो के। उसके अलावा अब बढ़ते हैं इसके ओडोमीटर पर कि इसमें कुछ चेंजमेंट किए गए हैं या नहीं। पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट और अब देखिए इसको करते हैं स्टार्ट आराम से और आपको दिखाता हूँ कि इसका ओडोमीटर चेंज है या फिर नहीं। मेरे को तो कोई चेंजमेंट नहीं दिखाई दी दोस्तों, लेकिन अगर आपको कोई चेंजमेंट दिखाई दी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसमें कोई चेंजमेंट है या नहीं है। पुराने वाली थार अपनी 4x4 वाली थार से और रियल व्हील ड्राइव थार में कोई ओडोमीटर में चेंजमेंट है या नहीं है। उसके बाद अगर हम बढ़े इसके स्टेयरिंग की तरफ कि आपको ये कौन सा स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है, ये कितना एडजस्टेबल है, कौन सा, ये आपको खाली ओनली टिल एडजस्टेबल स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। आपका हाइट एडजस्टेबल स्टेयरिंग नहीं है, खाली टिल एडजस्टेबल है। अब बढ़ते हैं इसकी स्टेयरिंग के कंट्रोल्स पर। इसमें आपको वही महिंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिल जाता है, सेम जो आपको थार में मिलता है। एक साइड आपको वॉइस कंट्रोल्स, आपके ऑडियो कंट्रोल्स जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के, एक साइड आपको क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, वही स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है एज इट इज़ महिंद्रा का, जो आपको और गाड़ियों में प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसके टॉप की बात करें तो ये भी आपको अंदर से हार्ड पूरा सा डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर। इसका इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है आपको एप्पल और एंड्रॉयड दोनों का कारप्ले देखने को मिल जाता है। उसके कंट्रोल्स यहाँ नीचे दिए गए हुए हैं और ये आपको बता दूं मैं 7 इंच का जो इसका इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बोल सकते हैं हम इसकी डिस्प्ले है। उसके बाद अगर इसके वेंट्स की बात करूँ तो 2 AC वेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए, इसमें अच्छा खासा डिज़ाइन दिया गया है, देख आराम से इसको आप घुमा सकते हो और डिज़ाइन में अच्छा खासा मज़ा ले सकते हो। AC कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसमें आपको ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे क्रूज कंट्रोल्स, आपके हील असिस्ट वगैरह और क्रूज कंट्रोल्स देखिए जो शुरू कंट्रोल्स वाले बटन वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जर नहीं देखने को मिलती, लेकिन हाँ इसमें आपको एक 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट वाला सॉकेट एडजस्ट करके आप अपना जो है वो चार्ज कर सकते हो और एक अपना USB-A टाइप। उसके बाद मैनुअल गेयरबॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 6 मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। हल्का सा इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग देख रही होगी, पत्ती सी दिख रही होगी, आपको हल्की सी डिजाइनिंग टाइप में आपको देखने को मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल्स मैंने आपको बताई दी थी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साइड में आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट की बात करूँ तो इसमें आपको छोटा सा एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है, जिसके अंदर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपना प्रेस वगैरह
वगैरह आराम से रख सकते हो, आपको अलग से प्लेस करवाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आर्मरेस्ट को आपको अलग से ले। उसके बाद अगर इसके साइड में आपको इसके ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको सेम ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो आपको अपनी ओल्ड 4x4 थार में आपको देखने को मिल जाता है, वही रियर व्हील ड्राइव में आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी चेंजमेंट नहीं दिए गए इसमें, मेरे को तो कोई चेंजमेंट नहीं दिखे, लेकिन अगर आपको कोई चेंजमेंट दिखे तो ज़रूर कमेंट करना। सीट्स की बात करूँ तो आपको अच्छी कम्फर्टेबल सीट्स जो आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद इसके टॉप की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको हार्ड टॉप दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इसका एलेक्स हार्ड टॉप वेरिएंट है डीजल में। उसके बाद आ गए हैं हम इसके बाहर, और अब देखते हैं इसके जो इसकी सेकंड रो है उसमें जाने का रास्ता कि कैसे जाया जाता है। जो इसकी पैसेंजर साइड विंडो सेम की सेम एज इट इज़ दी गई है। उसके बाद अगर आपको पीछे वाली रो में जाना तो यहाँ पर एक स्टिकर प्लेस किया गया है, आसानी से आप इसको देख कर जा सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पर लिखा गया है कि इस लीवर को पुल करें और ये सीट्स आपको आगे फोल्ड हो जाएगी, लेकिन जैसे अपनी स्कॉर्पियो एन वगैरह में फोल्ड हो जाती है सीट, वैसे फोल्ड नहीं होगी कि पूरी की पूरी सीट फोल्ड होगी और आगे चली गई। इसमें आपको खाली ये आगे झुक जाएगी सीट और फिर आगे आपको खींच कर आपको आगे करनी पड़ेगी और फिर आप आराम से घुस जाइए। लेकिन अगर आपको इस सीट को पीछे करना है तो आप पीछे से खाली सीट को पीछे कर सकते हैं आगे और अपने की तरफ नहीं खींच सकते, वो आपको दूसरा बंदा ही खींच कर आपको एडजस्ट करेगा। उसके बाद अगर अंदर की बात करूँ तो आपको भी यहाँ पर एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, दो आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ दिए गए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको USB-A टाइप के यहाँ पर दो चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपनी डाटा केबल्स लगाकर आप आसानी से अपनी चार्जिंग से आपको फ़ोन पर चार्ज कर सकते हैं। जैसा इस साइड आपको दिया गया आर्मरेस्ट वगैरह कप होल्डर्स वगैरह, सेम का सेम आपको दूसरी साइड भी वही एज इट इज़ फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें। आपकी जो इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो ये आपकी 4-सीटर है, तो इसमें आपको दो आदमी पीछे और दो आदमी आगे आराम से बैठा सकते हो, कंफर्टेबली आप लंबे टूर वगैरह पे जा सकते हो। नीचे भी अगर मैं इसकी लेगरूम की बात करूँ तो अच्छा खासा लेगरूम है, ऐसी बात नहीं कि आपको स्पेस नहीं मिलता, अच्छा खासा लेगरूम है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी पीछे वाली सीट्स पर कि आपको और क्या देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो इसकी सीट्स है वो आपको कैप्टन टाइप में देखने को मिल जाती है, और इसमें दो आपको पीछे हेडरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब नई नई वीडियोस के लिए, ठीक है। और अगर कोई कमी रह गई, कोई डिटेल्स मिस रह गई जो मुझसे नहीं बताई गई हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं वो डिटेल्स आपके साथ पूरी शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ किसी नई गाड़ी का रिव्यू करते हुए। जय श्री राम सारे भाइयों ने, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।